सभी को नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से हम निकालेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सभी कक्षाओं के लिए है। तो इसे सीखने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप इसे जरूर देखना। तो चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको मतलब एक से लेकर दस लाख तो स्क्वायर करना, वर्ग निकालना तो आप सभी को आता होगा। आपसे कहा जाता है भाई आप 36 का वर्ग निकालो तो 6 आसानी से निकाल सकते हैं, 49 का निकालो तो 7 निकाल सकते हैं, 64 का निकालना पड़ता है तो हमें 8 8 64 आसानी से हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बड़ी संख्या आ जाती है तो उसका हम डिविजन मेथड से, जिसको हम लॉन्ग डिविजन मेथड स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। तो वीडियो बहुत ही अच्छी है और महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आप अब तक उसे जरूर देखना और कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर आप एक प्यारा सा कमेंट करना भाई आपको वीडियो कैसे लगती है। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है भाई दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है। तो चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम एक से लेकर दस लाख स्क्वायर निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम स्क्वायर करेंगे, हम अगर हम एक का स्क्वायर करते हैं तो एक एकम एक, दो का करेंगे तो दो दूनी चार, तीन का निकालें तीन किया नौ, चार का चार चौके सोलह, पांच का पांच पांचे पच्चीस, छह का निकालेंगे छह छीके छत्तीस, सात का सात साते उनचास, आठ का आठ आठे चौसठ, नौ का निकालेंगे नौ निम इक्यासी, और दस का करेंगे तो हम स्केर दस जाए कितना आएगा इसमें सौ आएगा। तो ये आपको मतलब ये आना बहुत ही जरूरी है, एक से लेके दस लाख तो बहुत ही जरूरी है आपके। अब सबसे पहले हम एक नंबर एक सवाल लेते हैं, 2304। तो सबसे पहले हम इसमें डिवीजन मेथड से इसको हम निकालेंगे। किससे निकालेंगे हम? डिवीजन, जिसको भाग विधि बोलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, भाग विधि कहते हैं। तो सबसे पहले हम, ये होता है दाई तरफ, तो इससे हम इसमें जोड़े बनाने शुरू करेंगे। एक जोड़े के अंदर हमारे पास इसमें दो डिजिट होते हैं, कितने डिजिट होते हैं, दो डिजिट होते हैं। तो दो दो का हम इसमें जोड़ा बनाएंगे। अब देखो हमारे पास इसमें पहला जोड़ा कितने का है, 23 का है, कितना है 23 है। तो ये देखेंगे हम भाई स्केयर में 23 है क्या, नहीं है, तो इसे छोटा नंबर लेंगे हम 16 लेंगे। तो 16 किसका है, 4 का है, तो हम इसको 4 पे ले जाएंगे। तो 4 लिखेंगे हम यहाँ, 4 चौके 16 इसमें 16। इसको अगर हम माइनस करेंगे 23 में से हम 16 घटाते हैं या 13 में से हम 6 घटाएंगे तो हमारे पास इसमें 7 बचेगा या हमारे पास इसमें 0 बचेगी। अब आपको क्या करना है, जो जो नंबर ऊपर आता है उसका हम डबल कर देंगे। जैसे हमारे पास इसमें 4 है तो 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, या इन दोनों नंबरों को हम प्लस कर देंगे, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब अगली संख्या को हम नीचे उतारेंगे, लेकिन हमें अगर ऊपर से नीचे संख्या उतारते हैं तो दो अंक उतारते हैं, मतलब जोड़ा उतारेंगे पूरा। क्या उतारेंगे हम इसमें, जोड़ा उतारेंगे। तो जोड़ा उतारेंगे तो हम 0 और 4 को उतारेंगे तो संख्या हमारे पास कितनी हो चुकी है, 704, कितना हो चुका है 704। अब देखेंगे हम किस अंक में 4 दिया गया है, 2 का 4 दिया गया है और 8 का 8 8 64 इसमें आता है, तो हम यहाँ इसके पास लगा लेंगे। हम अगर इससे गुना करते हैं, 2 से गुना करते हैं, 2 लगाते हैं इसमें तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 164 हो जाएगा, लेकिन इससे कम आएगा, बहुत ज्यादा कम है, तो इसको हम 8 से करेंगे, 8 8 64 8 8 64 64 से कितना आ जाएगा 70, तो हमारे पास संख्या आ चुकी है। तो हम यहाँ इसको 8 पे ले जाएंगे, इसको 8 से गुना करेंगे तो 704 इसमें आएगा। इसमें हमारे पास क्या बचती है, 0, 8 को हम ऊपर चढ़ा देते हैं। तो अब 2304 का वर्ग कितना आएगा, 48 आएगा। तो इसको हम भाग विधि बोलते हैं। तो दोस्तों आशा है कि यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दो हमारा कितना है, 4489 इसमें जोड़ा बनाएंगे। उसी तरह हम इसमें क्या भाग विधि से इसको हम निकालेंगे। तो पहला जोड़ा हमारे पास इसमें कितने का है, 44 का है, तो 44 से देखेंगे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या हमारे पास 49 है, तो लेकिन हमें इसमें बड़ी संख्या नहीं, छोटी संख्या हमारे पास इसमें 36 दी गई है। तो 36 कितना है, 6 पर ले जाएंगे हम इसको, तो 6 से गुना करेंगे हम यहाँ, 6 छीके 36। अब इसमें से हम माइनस करेंगे
तो अगर 44 में से 36 घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, 8 बचता है, 8 होता है। अब 6 का हम डबल करेंगे, 6 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास इसमें 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब अगले अंक को हम नीचे उतारेंगे तो 89 को हम नीचे उतारेंगे तो हमारे पास कितना हो चुका है 889, कितना हो चुका है 889। अब ये देखेंगे हम भाई, जैसे हमारे पास 9 किस किस में आता है, जैसे 3 की अगर गुणा करते हो 3 × 9 आता है, 7 की करते हो तो 7 स्क्वायर निकालते 7 × 7 = 49 आता है, लेकिन अगर 3 लगाएंगे तो यहाँ हमारे पास इसमें गुना मतलब 889 इसमें नहीं बैठेगा, तो 7 पहले जाएंगे इसको हम, तो 7 से गुना करेंगे हम, 7 × 7 = 49 कितना बचेगा 4, 12 × 7 = 84, 84 × 4 कितना हो जाएगा 88, तो इसमें क्या बचेगा हमारे पास 0, तो हमने किससे गुना करी थी 7 से, 7 पे हम ले गए थे, 7 से हमने किसको किया गुना की थी 127 को, हमने 7 से गुना करी तो 889 आता है। तो आशा है कि दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे 5776। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे है तो अगर आप भाग विधि से वर्ग निकालना सीख गए हैं तो वीडियो को लाइक करना, दो अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा हिसाब से शेयर जरूर करना। अब हम क्वेश्चन नंबर इसमें 3 सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम इसमें 3 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है इसमें 5776, 5776 इसमें जोड़ा बनाएंगे हम, तो पहला जोड़ा हमारे पास इसमें कितना है 57 का जोड़ा है, तो 57 से छोटी संख्या देखेंगे हम कौन सी है, 7 × 7 = 49, तो 49 इसको 7 चले जाएंगे हम इसमें, तो 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 49 इसमें इसको माइनस करेंगे 17 में से हम 9 घटाएंगे, तो 9 घटाएंगे तो हमारे पास इसमें 8 बचेगा। अब ऊपर की संख्या को हम इसमें नीचे उतार लेते 76 हो जाएगा, तो संख्या हो चुकी है हमारे पास इसमें 876। अब इसका डबल करेंगे 7 और 7 कितना हो जाएगा इसमें 14, 7 और 7 = 14। अब ये देखते हैं भाई इसके लास्ट में जो डिजिट दिया गया है 6 दिया गया है, अब 6 देखेंगे हम, 4 × 4 का स्क्वायर निकालते वर्ग निकालते तो 16 आता है, 6 × 6 = 36 आता है, लेकिन अगर हम इसके 4 के साथ लगाते हैं तो गुणा करेंगे हम इसमें, तो 4 × 4 = 16, 14 × 6 = 84, 14 × 6 = 56 कम हो जाएगा, तो इसमें 6 लगा के देखेंगे हम इसमें 6 × 6 = 36, 6 × 6 = 36, 14 × 6 = 84, 84 × 3 कितना हो जाएगा 87, इसमें क्या बचेगी हमारे पास 0, तो ये हमारा कितना है 76, हम इसको 6 पे ले जा चुके हैं। तो आशा है कि दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसको हम कहते हैं भाग विधि से जिन बच्चों को वर्गमूल निकालना नहीं आता वो आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले 1 से 10 तक का हमें वर्ग निकालना सीखना पड़ेगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ से ज्यादा इस आप शेयर भी जरूर करना। लास्ट क्वेश्चन हमारा है